नमस्कार, मैं फिर आपके पास एक छोटा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है बीजापुर में जो बाकी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है गोल गुंबज के अलावा, एक उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है जोड़ गुंबज, यह उस्ताद और उसके शागिर्द की गुंबज है और दो अलग अलग पीरियड में बनाया गया है। उस्ताद की गुंबज 1680 में बनाई गई और शागिर्द की गुंबज 1686 में औरंगजेब ने बनवाई थी। ये गुंबज में पीराने पीर गैसल आजम के पुत्र हजरत पीर अब्दुल रज्जाक कादरी, उनकी बीवी, लड़का और बहू की मजारे हैं। और दूसरे गुंबद में शागिर्द वजीर आजम खान मसद खौसार, माँ बीवी, दो लड़कियाँ और इनकी मजारे हैं। यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती है, लोग अपना मन्नत मांगने के लिए आते रहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है वो है, जिसे लोग आते हैं कम देखते हैं, वह इब्राहिम रोजा। ये सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने 1610 और 1626 के बीच में इसे बनवाया। यह इमारत अपनी बीवी ताज सुल्ताना की याद में बनवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट होने के पहले उसका डेथ हो गया। इसीलिए उसकी बीवी ने उसकी मजार बना दी और इसका नाम इब्राहिम रोजा रखा। इसे मिनी ताजमहल भी बोलते हैं, साउथ का ताजमहल भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बाहर लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है और एएसआई ने बहुत वेल मेंटेन रखा है, वर्थ विजिटिंग है और जाना चाहिए। छठा स्पॉट बीजापुर का है वो जामिया मस्जिद। ये जामिया मस्जिद आदिल शाह एम्पायर का पहला किंग अहमद अली आदिल शाह ने 1540 से 1565 के बीच में बनवाया। ये काफ़ी बड़ा है और अंदर का व्यू मैं दिखलाया हूँ। इसमें करीब 20 से 30 हज़ार आदमी एक साथ बैठ सकता है और बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस और अच्छा है। बाहर बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन लैंडस्केप वगैरह नहीं है, बट अंदर अच्छा और जाने लायक है। ये दक्षिण भारत की साथ सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका जो पूरा एरिया है वो 1,16,000 स्क्वायर फुट है। इसकी लंबाई 425 फीट और चौड़ाई 225 फीट है और इसको आदिल शाह ने बनवाया था। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वर्थ विजिटिंग है। चौथा बिल्डिंग ताज बावड़ी है। ये इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बीवी ताज सुल्ताना की याद में बनवाया, इसीलिए इसका नाम ताज बावड़ी है। ये 1620 में से बनवाया था। इसका डायमेंशन चौड़ाई 223 फीट, लंबाई 223 फीट है और गहराई 52 फीट है। इसमें पानी कभी सूखता नहीं है, बहुत ही गंदी अवस्था में था पहले। इसमें ओपन था और काफ़ी इसमें गंदगी रहती थी, लेकिन अभी एएसआई ने इसे बंद कर दिया है और क्लोज्ड है, इसलिए अंदर जा नहीं सके। बहुत ही बुरी तरह से मेंटेन्ड है और लोग जनरली यहाँ कहीं आना पसंद करते हैं, बट वेल मेंटेन्ड होता तो शायद अच्छी जगह होती। पांचवी जगह जो लास्ट स्पॉट बीजापुर में मैं घूमा वो है हैदर बुर्ज। ये ऊपरी बुर्ज बोलते हैं। ये 1580 में हैदर खां वजीर ने इसका निर्माण कराया था। ये मेनली वॉच टावर की तरह बिहेव होता है। आजकल शहर के बीच में स्थित है और ट्रैफिक वगैरह काफ़ी चलते रहता है, तो दूर से ही देखने लायक है। बस
उस पीरियड के लिए 1580 के लिए अच्छी आर्किटेक्चर है। इसकी ऊंचाई 85 फीट और स्पाइरल स्टेप्स है। ऊपर दो तोप है, एक तोप का वजन 40 फीट और दूसरे का 22 टन है। मैं ऊपर चढ़ नहीं सका, लेकिन अच्छा है, ऊपर चढ़ने लायक है। इसे पूरे शहर को देखा जा सकता है। अब वीडियो में आप देखिएगा, अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर देव सिंह ट्रेवल ब्लॉगर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने का जोश आ सके और मैं इसको क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूँ। इसके बाद अगला सीरीज का वीडियो मेरा होगा बादामी, जो कि साउथ का बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है। इसे चालुक्या डायनेस्टी, तो साउथ का बहुत बड़ा डायनेस्टी, हिंदू डायनेस्टी, उसका किंगडम रहा और उसके बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं, उसके बारे में मैं पोस्ट करूंगा। और इसके साथ ही मैं आज आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट मेरा घूमने का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। ये जोड़ा गुंबज है, ये है जो मिनी ताजमहल जिसको बोलते हैं। ये बावड़ी है और ये है बुर्ज वॉचिंग टावर। ये हम लोग जोड़ा गुंबज के पास आ चुके हैं। जैसा कि देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी भीड़ है और लोग काफ़ी घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। यहाँ लोग मन्नत मानने के लिए आते रहते हैं, मन्नतों का दौर चलता रहता है और लोग आते हैं, लोगों की श्रद्धा है। आसपास गाड़ियाँ बेतरतीब फैली हुई हैं, इसीलिए शायद लोग यहाँ कम आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बट इलीट क्लास के लोग कम आना पसंद करते हैं। ये आपका उसको मिनी मस्जिद बोलते हैं, उसके बारे में बताया। उसको इब्राहिम रोजा बोलते हैं, इब्राहिम आदिल शाह ने इसको बनाया था 1610 से 1626 के बीच में, बट उसका डेथ हो गया तो उसकी बीवी ने उसका मकबरा वहाँ रख दिया और उसका नाम इब्राहिम रोजा रख दिया। दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं, वेल मेंटेन्ड है, आनी चाहिए, ठीक ठाक जगह है, अच्छा लगता है। इंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वेल मेंटेन्ड है। ये जामा मस्जिद का अंदर का पोर्शन है, जिसमें जैसे मैंने बताया ये साउथ की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी लंबाई 425 फीट और चौड़ाई 225 फीट है और अंदर में कुरान की पंक्तियां लिखी हुई हैं और इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, बढ़िया है, लोगों की श्रद्धा है, लोग आते हैं। बट मस्जिद के बाहर ठीक ठाक नहीं है, जैसा वीडियो में देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और ये 1540 से 1565 के बीच में बनवाया गया था और आज भी काफ़ी वेल मेंटेन लग रहा है। कितनी अच्छी बनावट उस समय थी, उस पीरियड में, जो आज ही बिल्कुल नहीं लग रही है। एक हमारी बिल्डिंगें होती हैं, सरकारी बिल्डिंगें या प्राइवेट भी कॉन्ट्रैक्टरों से आउटसोर्स किया हुआ बनती हैं और 50-100 साल में बस राम राम होने लगता है। ये बिल्डिंग देखिए, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है और कितना अच्छा है, कितना भव्य है, कितनी शांति यहाँ पर है। यहाँ भी लोग कम आते हैं, शायद इसकी वजह ये है कि बाहर एंट्री बहुत ही गंदा है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गंदगी है, वेल मेंटेन बिल्कुल ही नहीं है, पार्किंग का जगह भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आना चाहिए।
बड़े सलीके से सब कुछ हर जगह है, और आप देख रहे होंगे कि कॉरिडोर कितना लंबा है, एक एक इलाके में कितना लंबा है, और काफ़ी अच्छी मेहराब हैं, आर्चेज हैं, और आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर आप देख रहे होंगे। और साथ मेरी पत्नी सामने दिखाई पड़ रही हैं, वो घूम रही हैं, बहुत ही अच्छा है। ये जिसको बोला था बावड़ी, इब्राहिम रोज बावड़ी, जो कि अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, बिल्कुल ही मेंटेन नहीं है, गंदगी है। नाम ताज बावड़ी है, काफ़ी अच्छा है, 225 फीट लंबा और चौड़ाई भी काफ़ी लंबी है, 223 फीट स्क्वायर है और 52 फीट इसकी हाइट है। बिल्कुल पहले ओपन फॉर ऑल था, गंदगी बहुत थी, अब इसको कम से कम क्लोज कर दिया गया, इसको से गंदगी नहीं भर रही है, अदरवाइज ये डंपिंग ग्राउंड था। 1620 में इसको आदिल शाह सेकंड ने बनाया था, अगर इसे मेंटेन किया गया होता तो कितना अच्छा होता। कभी बीवी उसकी ताज सुल्ताना यहाँ आती थी इसको, और उसकी सहेलियाँ आती थी, इसमें स्नान करती थी। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सी डेप्थ है, शायद वाटर टेबल से काफ़ी नीचे ले जाया गया है, ये कभी नहीं सूखती। और लास्ट बिल्डिंग जो बताया था हैदर बुर्ज, एक्चुअली वॉच टावर है, 1580 में बनाया गया था हैदर खवाजी में, और इसकी हाइट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा 85 फीट है, दो तोप भी हैं,